हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन जो है स्टार्ट करेंगे जो आपका थर्ड चैप्टर है ऋतुचर्या अध्याय। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या से आप क्या समझते हो? सबसे पहले बात तो जैसे कि दिनचर्या था, तो दिन में जो करने वाली जो चर्या थी वो आपकी दिनचर्या थी। अब यहाँ पे क्या है, ऋतु ऋतु मतलब जो सीजन्स होते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हर सीजन में, जैसे कि आप गर्मी के दिनों में तो ऐसा नहीं होता ना कि आप और ज्यादा जो है धूप में खड़े हो, ठीक है, या ठंड के दिनों में ऐसा तो नहीं होता ना कि आप और ज्यादा एसी में खड़े हो, ठीक है। तो अलग अलग काम करते हो ना, कि ठंड के दिनों में आप गर्मी लेते हो और गर्मी के दिनों में आप थोड़ा सा क्या करते हो, ठंड के लिए एसी वगैरह ऑन करते हो। तो हर ऋतुओं में जो आप काम करना चाहिए, हर सीजन में अलग अलग जो आयुर्वेद के अनुसार जो चर्या का पालन करना चाहिए वो क्या कहलाएगा, ऋतुचर्या। तो यहाँ पे बोला गया है ऋतुओं के अनुसार, ऋतु मतलब सीजन, इसके अनुसार होने वाली जो चर्या होती है, जो आप आहार विहार का सेवन करोगे। आहार मतलब भोजन, विहार मतलब जैसे कि आप घूम रहे हो, ठीक है, या फिर आपको किस टाइप के क्लाइमेट में रहना चाहिए वो विहार कहलाएगा, या ऐसा शरीर में एक्सरसाइज, ठीक है, वो आपको किस प्रकार के एनवायरमेंट है वो विहार के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका आहार विहार का जब सेवन करोगे, ठीक है, ऋतुओं के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऋतुचर्या कहलाएगा। तो ऋतुचर्या को पढ़ने से पहले अपने को ऋतु विभाजन, आपको ऋतुओं के विषय में याद होना चाहिए कौन से ऋतु हैं। तो आयुर्वेद में टोटल 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। कितने ऋतु हैं? 6 ऋतु हैं। कौन से हैं? तो 6, 6 से 6, ठीक है, तो 6 ऋतुओं का विभाजन किया गया है। और प्रत्येक जो ऋतु होते हैं उसमें क्या है, दो दो महीने आपके आते हैं, मतलब टोटल अगर बात करें 6, टोटल अपन कितना 12 माह पढ़ते हैं, ठीक है, तो 12 माह में आपका अगर अपन देखें तो हर ऋतु में आपका एक ऋतु जो रहता है वो 2 माह का रहता है, इस टाइप से रहता है, ठीक है, तभी तो आपका होगा 12। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अब ये ऋतुओं का जो नाम है वो आपको याद रखना है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, नेसेसरी है ही। साथ ही साथ ये वाला जो है माघ फाल्गुन, जो आपका हिंदी का जो नेम है वो भी आप याद कर सकते हो। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये तभी अपन पढ़ेंगे तो ऑल ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, बट ऐसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि शिशिर, शिशिर ऋतु किसको बोलते हैं, ठीक है, तो शिशिर ऋतु जो आपका एक्सट्रीम विंटर का जो सीजन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, शिशिर ऋतु कहते हैं। जो मेनली अगर अपन इसको हिंदी जो माह है उसमें अपन देखें तो जो माघ या फाल्गुन का जो माह होता है ना वो आपका शिशिर ऋतु कहलाता है। तो शिशिर ऋतु जो एक्सट्रीम विंटर का जो समय है वो आपका क्या कहलाएगा, शिशिर ऋतु, स्पेशली माघ या फाल्गुन का जो माह होता है। इसके बाद में आता है आपका वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु किसको बोलते हैं, जो आपका स्प्रिंग जो सीजन होते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, वसंत ऋतु कहेंगे। तो वसंत ऋतु के अंतर्गत कौन से आपके आते हैं, तो जो चैत्र वैसाख का माह होता है ना वो आपका वसंत ऋतु कहलाता है। तो ये चीज याद रखना, वसंत ऋतु, ठीक है, जो आपके स्प्रिंग सीजन होते हैं और जो मेनली चैत्र और वैशाख का जो माह है वो इसके अंतर्गत आपका इंक्लूड किया गया है। फिर आपका आता है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मतलब, तो ग्रीष्म मतलब जो समर का जो समय होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। जैसे कि जो आपका ज्येष्ठ या अषाढ़ का जो माह आता है, ठीक है, तो ज्येष्ठ अषाढ़ जो बोलते हैं वो आपका क्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आते हैं, ओके। फिर इसके बाद में आता है आपका वर्षा ऋतु, जो बारिश का समय है, ठीक है, तो बारिश का जो समय है वर्षा ऋतु, ये मेनली पर्टिकुलरली आपका श्रावण तथा भाद्र इसके समय में आते हैं। तो श्रावण तथा भाद्र इस समय क्या होता है, वर्षा होती है, तो बारिश का समय श्रावण और भाद्र। फिर आपका आता है शरद, ठीक है, तो शरद जो होता है उस समय क्या होता है, हल्की ठंड रहती है, तो वहां पे आपका जो मतलब हल्का सा ऐसा बोल सकते हैं कि इस समय जो ठंड है वो भी प्रॉपर नहीं आ रहती, ठीक है, तो वो आपका क्या है, आपका जो अश्विन और कार्तिक का जो माह होता है वो आपका क्या है, शरद ऋतु है। फिर आपका आता है हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु इसे अपन अर्ली विंटर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत अगहन तथा पौष आता है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये चीज को नाम याद रखना है कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, दो तीन बार मेरे साथ में आप लोग दोहराओ, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला ना आपका अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एनसीईएसएम का सिलेबस है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो इससे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, शिशिर के अंतर्गत हिंदी महीना कौन सा आता है करके, तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप सही आंसर पिकअप नहीं कर पाओगे कि माघ और फाल्गुन जो है शिशिर के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार वसंत के अंतर्गत कौन सा आता है, तो चैत्र और वैशाख आता है। ग्रीष्म के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ज्येष्ठ अषाढ़ आता है, ठीक है, तो इसको आपको दो तीन बार आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वर्षा के अंतर्गत श्रावण भाद्र आता है, शरद के अंतर्गत अश्विन कार्तिक आता है, और हेमंत के अंतर्गत अगहन पौष आता है, ठीक है, तो इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसको आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं,
तो आगे बढ़ते हैं, तो अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका आदान काल के विषय में बताया गया है। अब देखो, आदान काल, विसर्ग काल, इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस है। आदान काल, आदान इसका मतलब क्या समझ रहे हो? आदान मतलब किसी को कुछ दे रहा है, ठीक है, आदान कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? आदान काल बोलेंगे। मतलब कोई तो किसी को कुछ दे रहा है, आदान मतलब देना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इस काल के अंतर्गत कोई तो किसी को कुछ दे रहा है, ऐसा आप याद रखना, समझना, ठीक है। अब यहाँ पे आदान दे रहे हैं मतलब कोई किसी को दे रहे हैं, तब यहाँ पे अपन इसको पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन किसको क्या दे रहे हैं। तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन तीन ऋतुओं को मिला करके आदान काल कहा गया है। तो कौन आते हैं? तीन ऋतुएं आती हैं आदान काल के अंतर्गत, ठीक है। कौन सा? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। अब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म को ही आदान काल के अंतर्गत क्यों रखा गया है, ये अपन देखते हैं। तो शिशिर, वसंत, जो ग्रीष्म होता है, इसको ही आदान काल के अंतर्गत इस वजह से रखा गया है क्योंकि आदान काल जो होता है उसमें प्राणियों का जो बल होता है ना, वो प्रतिदिन घटता जाता है। अब क्यों घटता जाता है? आपको अगर याद होगा, ठीक है, कि जब जब गर्मी बहुत रहता है, ठीक है, तो आप ज्यादा उतना काम नहीं कर पाते हो, ठीक है, पसीना बहुत ज्यादा क्योंकि निकलता है। तो वही है कि आदान काल में क्या होता है, प्रतिदिन जो शरीर का जो बल है, ठीक है, कैपेसिटी है, एक हिसाब से बल यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है, वो घटता जाता है। और बल का ही हरण होने के कारण इसे क्या कहते हैं? आदान काल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? बल का ही हरण हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है? इसमें आदान हो रहा है, यानी कि बल को जो है खत्म हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है एक हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से इसे अपन आदान काल कहते हैं। अब ये आदान कौन करता है या फिर कौन किसको दे रहा है? तो सूर्य की जो किरणें जो होती है, वो जब तीक्ष्ण होती है, ठीक है, तो सूर्य अपने किरणों का आदान कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई किसी को देगा, ऐसा बोला ना, इसमें जो सूर्य की जो किरणें होती है, ग्रीष्म में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, प्रबल होती है, तो इस वजह से इसे अपन क्या बोलते हैं? आदान काल कहते हैं। ये भी आपका एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि बल का हरण होने के कारण, यानी कि जो शारीरिक जो बल है ना, उसका हरण होने के कारण भी इसे क्या बोला जाता है? आदान काल बोला जाता है। तो शरीर का जो बल है वो भी कम हो जाता है इस काल में, इस वजह से भी इसे क्या बोलते हैं? आदान काल कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसे ही क्या बोला गया है? उत्तरायण बोला गया है। अब उत्तरायण क्यों कहा गया है इसे भाई? तो उत्तरायण इसे इस वजह से कहा गया है क्योंकि क्या होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती है वो किधर होती है? उत्तर दिशा की ओर होती है इस काल में। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उत्तर दिशा की ओर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उत्तर से जो है आपको उत्तरायण इस वजह से इसे कहा गया है, ठीक है। तो जैसे उत्तर दिशा की ओर जाती है, या फिर हवा जो रहता है, हवा का जो बहाव होता है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? उत्तरायण कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इस काल में जो मार्ग है, मार्ग के स्वभाव के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तर दिशा की ओर जा रही हैं, हवा भी क्या होता है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, इस वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे? उत्तरायण कहेंगे। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि उत्तरायण काल किसको बोलते हैं, तो आदान काल को बोलते हैं। अब आदान काल को ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि आदान कर रहे हैं, सूर्य अपनी किरणों को दे रहे हैं, किधर से दे रहे हैं? तो उत्तर दिशा से दे रहे हैं ज्यादा, ठीक है। इस वजह से ऐसे याद करने के लिए आप याद रखना, इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? आदान काल कहेंगे। और इसमें जो हवा है वो तीक्ष्ण होता है, जैसे कि आप देखोगे गर्मी के दिनों में एकदम ज्यादा गर्म रहेगा, उष्ण रहेगा, ठीक है, ड्राइनेस लाता है यानी कि रुक्षता लाता है, ये सभी चीजें देखने को मिलेगा। और पृथ्वी जो होता है वो शीतल गुण जो है, जो जमीन है, ठीक है, पृथ्वी है, उसका जो शीतलता जो गुण है वो नष्ट हो जाता है गर्मियों के दिनों में। देखना, बिना पैर के आप चप्पल के आप जाके दिखाओ, ठीक है, पैर जलने लग जाते हैं। इसी वजह से बोला गया कि जो पृथ्वी की शीतलता जो गुण है वो नष्ट हो जाती है, या क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे करके। और इस काल में रुक्ष गुण वाले तिक्त कषाय रस और कटु रस की वृद्धि क्रमशः होते रहती है। तो इस काल में क्या होता है, प्रमुख रूप से जो तिक्त कषाय तथा कटु रस की जो वृद्धि है वो क्रमशः होती है। तो तिक्त रस जो है वो कब आपको देखने को मिलेगा? तो शिशिर ऋतु में जो है तिक्त रस की अधिकता होगी, कषाय रस जो होता है वो वसंत ऋतु में होता है उसकी अधिकता होती है, और कटु रस मतलब ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी मैंने, तिक्त कषाय रस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। कैसा दिखा, कैसा आपको पता चलेगा कि ये तिक्त है कषाय है, तो आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, यहाँ पे मैं उसको अगेन एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। तो ये चीज को याद रखना, रुक्ष मतलब ड्राइनेस, ड्राइनेस का जो गुण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कम सा तिक्त कषाय और आपका कटु रस की जो है अधिकता देखने को मिलेगी, ये चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा अग्नि गुण की प्रधानता होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? आदान काल कहते हैं। बिकॉज सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सूर्य का वही है जैसे मैंने बोला कि अग्नि गुण प्रधान है, यानी कि सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ रही है गर्मी में, तो इस वजह से सूर्य क्या है, अपने किरणों का हमें दे रहा है, आदान कर रहा है, इस वजह से इसे और क्या बोलेंगे, और किस नाम से जानेंगे?
आदान काल को ही आग्नेय काल भी कहा जाता है। तो सिनोनिम से क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में अगर आएगा तो, अगर एमसीक्यू यहाँ से बनना हुआ तो, ठीक है, कि आदान काल किसको कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन वहां पे रहेगा कि आग्नेय काल को कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन क्या रहेगा कि जो आग्नेय काल या उत्तरायण को कहते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा कि बोथ को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा बोथ को बोलते हैं, कि उत्तरायण और आग्नेय काल और आपका आदान काल तीनों के है सिनोनिम है। तो इससे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो इससे बनेगा कि ग्रीष्म ऋतु में कौन से रस की प्रधानता होती है, तो कटु रस की। वसंत ऋतु में कौन से रस की प्रधानता होती है, तो कषाय रस की। और शिशिर ऋतु में कौन से रस की प्रधानता होती है, तो तिक्त रस की प्रधानता होती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर से बनेगा अगर एमसीक्यू बेस्ड बनना रहा तो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, वो अभी से मैं आप लोग को प्रिपेयर करा रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब आप नेक्स्ट एग्जाम दो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, तो आप आसानी से उसे क्रैक कर लो। तो ये इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आदान काल कंप्लीट हो गया, बात करते हैं विसर्ग काल के विषय में। तो विसर्ग, विसर्ग मतलब कुछ तो जो है क्या हो रहा है, एक प्रकार का विसर्गित हो रहा है, ठीक है। मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो कम हो जा रही है, विसर्ग हो रहे हैं, ठीक है। वो अब उसका जो है आदान कर रही थी सूर्य की जो किरणें हैं, तो आदान काल बोले यानी कि हमें दे रही थी, अब वो किरणों को क्या कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, तो विसर्ग काल है। अब देखो इसके विषय में अपन बात करते हैं, विसर्ग काल में क्या होता है। तो विसर्ग काल में बोला गया है कि वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु, जैसे हमने स्टार्टिंग में ऋतु पढ़े, तो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु, इन तीन ऋतुओं में को क्या कहा गया है, विसर्ग काल कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है, ये कि इसके अंतर्गत आते हैं, आपके विसर्ग काल के अंतर्गत आते हैं। और इस काल में जो प्राणियों का जो बल होता है ना, वो प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो प्रतिदिन क्या होता है, प्राणियों का जो बल है वो बढ़ता जाता है। बल प्रदान करने के कारण इसे क्या कहते हैं, विसर्ग काल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, प्राणियों का जो बल है वो कम होता जा रहा था, इस वजह से उसे आदान काल बोल रहे थे, ठीक है। सूर्य अपनी किरणों को आदान दे रहा था, बट साथ ही साथ हमारे बल को ले रहा था। जबकि विसर्ग काल में क्या हो रहा है, सूर्य की जो किरणें हैं वो विसर्गित हो रही है और हमारा जो शरीर का जो बल है वो बढ़ रहा है, तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, विसर्ग काल कहेंगे। और इसी को ही क्या बोलेंगे, दक्षिणायन बोलेंगे। जैसे कि वहां पे आदान काल को उत्तरायण बोल रहे थे, इसी प्रकार यहाँ पर से विसर्ग काल को क्या बोलेंगे, दक्षिणायन बोलेंगे। तो आपको पता चल गया होगा दक्षिणायन क्यों बोल रहे थे, उत्तरायण इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि सूर्य की जो किरण है वो उत्तर दिशा की ओर थी, और यहाँ पे आपका दक्षिणायन इस वजह से बोलेंगे क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें होती है उसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण दिशा की ओर होगी। तो इस काल में जो मार्ग के स्वभाव से जो सूर्य की जो किरणें हैं उसकी दिशा किधर होती है, दक्षिण की ओर होती है, और दक्षिण की ओर गमन करती है, जिससे जो सूर्य है उसका जो तेज है वो कम हो जाता है, जिससे सूर्य का जो तेज है वो कम हो जाता है, तथा जो चंद्रमा है, जैसे मैंने बोला सूर्य की तेज कम हो रही हो, ठीक है, यानी कि उसका जो विसर्ग हो रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा, विसर्ग काल में सूर्य की तेज कम हो जाएगी, अपोजिट रहेगा, ठीक है, आदान काल से। यहाँ पे चंद्रमा का जो बल है ना वो बढ़ जाएगा, जो चंद्रमा होती है ना रात को जो चांद निकलता है उसका जो बल है वो बढ़ जाता है, तथा बादल, वर्षा तथा शीतल हवा के कारण पृथ्वी का जो ताप है वो शांत हो जाएगा। जहां पे आपका आदान काल में पृथ्वी गर्म हो गया था, उसकी शीतलता नष्ट हो गई थी, वो पुनः उसको वापस मिल रही है, कि वर्षा की वजह से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, शीतल हवा के कारण जो पृथ्वी है वो शांत हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया। इसमें क्या होता है, तो स्निग्ध गुण की अधिकता होती है। तो क्या होता है, स्निग्ध गुण की यहाँ पे अधिकता बताया गया। वहां पे क्या था, आदान काल में रुक्ष गुण की अधिकता थी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना, इनसे आपका जो 20 नंबर के एमसीक्यू बनने वाला है ना, इसमें से कहीं से नहीं आएगा, इसी में से आएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उसी से आएगा। और इवन जब आप लोग का एग्जाम होगा ना फाइनल एग्जाम, तो हर यूनिवर्सिटी से मैं मिला के दिखा दूंगा अपने लेक्चर से, कि जो मैंने बताया था वहीं से आपका 20 नंबर का पूरा एमसीक्यू आया है, ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया। फिर स्निग्ध गुण जो है वो आपका बढ़ जाएगा। फिर अम्ल, लवण तथा मधुर रस क्रमशः वृद्धि होगी। तो क्या होगा, अम्ल, लवण और मधुर रस, इनकी क्रमशः वृद्धि होती जाएगी। और इसमें क्या होगा, सौम्य गुण की प्रधानता होगी, इसी कारण इसे क्या बोलेंगे, सौम्य काल भी बोला गया है। तो सौम्य गुण की प्रधानता होने की वजह से इसे सौम्य काल भी बोलेंगे, जबकि आदान काल को क्या बोला गया था, आग्नेय, अस्य आदान अस्य आग्नेय काल। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है, ठीक है, आदान काल किसको बोलते हैं, विसर्ग काल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मधुर, अम्ल, लवण, इनका जो है रस की प्रधानता हो रही है। यहीं पे मैं पासवर्ड भी बता देता हूँ इस नोट्स का, ठीक है। तो क्या होगा, मधुर, अम्ल, लवण किसके अंतर्गत आ रहे हैं, विसर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा जो मैं अभी अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, आप लोगों को ग्रुप में। तो MALV, ये आपको एज इट इज टाइप करना है, तो PDF आपका ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो ऋतुओं के विषय में बात करते हैं। तो ऋतुएं जो है, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार से आपका बताया गया है। तो ऋतुएं जैसे आदान काल के अंतर्गत शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं
कि शिशिर ऋतु में जो शरीर का जो बल होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ होता है। फिर धीरे धीरे जब सूर्य की किरणें बढ़ती जाएंगी तो मध्यम हो जाएगा, और जब ग्रीष्म ऋतु आएगा तो एकदम अल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आदान काल में आपको देखने को मिलेगा। फिर विसर्ग काल में क्या आता है, वर्षा शरद हेमंत आते हैं, क्योंकि ग्रीष्म के बाद में वर्षा आते हैं तो शरीर की जो बल है वो अल्प रहते हैं, तो वर्षा में क्या है, अल्प ही रहेगा। फिर जैसे ही शरद आएगा तो मध्यम हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा क्योंकि विसर्ग में बढ़ते हैं, फिर हेमंत में श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज को भी अच्छे से याद रखना, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जा सकता है कि शिशिर ऋतु में शरीर का बल कैसा होता है, तो याद रखना है कि श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार आपका जो हेमंत है और शिशिर है, दोनों में क्या है, शरीर का जो बल है वो श्रेष्ठ है, ये ऐसे करके याद रखना। इन दोनों में लास्ट लास्ट में श्रेष्ठ है, फिर इन दोनों में क्या है, मध्यम है, और इन दोनों में अल्प है। ठीक है, तो ग्रीष्म और वर्षा इन दोनों में आपका अल्प है, इसके बाद में इन दोनों में आपका बसंत और शरद में मध्यम है, और शिशिर और हेमंत में श्रेष्ठ है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? अब एक एक ऋतुचर्या को पढ़ेंगे। अब इनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे हेमंत ऋतुचर्या, वसंत ऋतुचर्या, ग्रीष्म ऋतुचर्या, इनसे आपका एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब 5-5 मार्क के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, ये इसमें बनेंगे। तो हेमंत ऋतुचर्या के विषय में बात कर लेते हैं। हेमंत ऋतुचर्या के विषय में क्या बताया गया है, तो हेमंत ऋतुचर्या, हेमंत ऋतु कौन से माह तक को बोलते हैं, तो हेमंत ऋतु जो होता है वो माघ शीर्ष तथा पौष का जो माह होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, हेमंत ऋतु बोलेंगे। तो हेमंत ऋतुचर्या यानी कि हेमंत ऋतु में क्या क्या काम आपको करना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताया गया है। तो हेमंत ऋतुचर्या में बोला गया कि हेमंत ऋतु में मनुष्य बलवान होते हैं। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, मनुष्य जो है बलवान होता है। इस काल में शीत के कारण शरीर की ऊष्मा अंदर ही रुक करके जठराग्नि को क्या है, बढ़ा देती है। तो इस काल में क्या होता है, इस काल में हेमंत ऋतु में मनुष्य का जो बलवान होने की वजह से इस काल में शीत के कारण शरीर की ऊष्मा अंदर ही रुक करके जठराग्नि को बढ़ा देती है, तथा आहार रूपी जो ईंधन है वो अल्प मात्रा में मिलने पर बढ़ी हुई जो जठराग्नि है वो उसकी जो वायु है उसके द्वारा प्रेरित होकर के रस आदि जो धातुएं हैं उनका पाचन करने लगती है। इसलिए हेमंत ऋतु में मधुर अम्ल लवण रस वाले आहार का विशेष रूप से सेवन कराना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, पॉइंट वाइज याद रखना। पहला पॉइंट याद रखना कि हेमंत ऋतु में मनुष्य का जो बल होते हैं वो बलवान होते हैं, ठीक है, और इस काल में क्या करना है, शीत के कारण शरीर में ऊष्मा अंदर की जो जठराग्नि होते हैं जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाती है। तो पहला पॉइंट हो गया, हेमंत ऋतु में जो मनुष्य का बल होता है वो बलवान होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस काल में क्या होता है, शीतता के कारण जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट याद रखना कि आहार रूपी जो ईंधन है वो अल्प मात्रा में मिली हुई जो जठराग्नि है, ठीक है, वो वायु के द्वारा क्या होगा, प्रेरित होगा, प्रेरित इन द सेंस वायु के द्वारा और डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से जो भी आपके सप्त धातु है रस रक्त आदि उनका आसानी से डाइजेशन कर लेगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस ऋतु में क्या होता है, मधुर अम्ल लवण रस की विशेष रूप से प्रधानता होती है। तो ये चार पॉइंट में आपको इसको याद रखना है कि हेमंत ऋतु में मनुष्य का बलवान होते हैं, इसके अलावा इसमें क्या होता है, शीतता के कारण जो डाइजेस्टिव फायर है जठराग्नि है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इस वजह से सभी प्रकार के जो आपके रस आदि धातुएं हैं उसका पाचन कर लेता है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या होता है, तो इसमें मधुर अम्ल लवण रस की प्रधानता होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका बताया गया कि हेमंत ऋतु में रातों के बड़ी होने के कारण प्रातः काल में ही भूख लगने लगती है। तो क्या होता है, इस टाइम जो नाइट है वो आपका बड़ा होता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आ जाएगा कि हेमंत ऋतु में क्या होता है, जो रात है वो बड़ा हुआ होता है, इस वजह से आपका मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा भूख लगती है। इसलिए इस ऋतु में शौच आदि आवश्यक कार्य संपन्न कर मधुर अम्ल लवण रस प्रधान जो भोजन है वो करना है। तो ये चीज अगेन आपका फोर्थ पॉइंट ही रिपीट हो गया कि मधुर अम्ल लवण प्रधान जो भोजन है वही अपने को करना है करके, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 6th पॉइंट यहाँ पर से याद रखना कि वात नाशक जो तेल है उससे क्या करना है, मसाज करना है, अभ्यंग करना है, कहाँ पे, सिर पर, ठीक है, सिर पर, सॉरी, अभ्यंग करना है यानी कि आपके पूरा बॉडी में। फिर सिर पर क्या करना है, तेल को धारण कराना है यानी कि बाल में जो तेल है वो धारण कराना है। इसके अलावा मर्दन करना है यानी कि मसाज करना है, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो करना चाहिए। तो ये आपका किसमें, 6th पॉइंट में आ गया कि वातक में जो तेल है उससे मसाज करना, सिर पे तेल को धारण करना, मर्दन कराना, ये सारी चीजें आ जाएंगी, तथा शरीर का दबाव एवं मल युद्ध कुश्ती ये सभी चीजें करना, यानी कि गर्मी को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो अपन करना है। जैसे आप किसी के साथ में लड़ाई करोगे, मल युद्ध मतलब कुश्ती वगैरह हो गया, लड़ाई हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपके शरीर में
गर्मी आएगी कुश्ती वगैरह लड़ने से, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है, उसका हिंदी यहाँ पे अपन लोगों ने देखा। ठीक है, श्लोक वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी से ही आपको यहाँ पे याद रखते हैं। ठीक है, जो बुक अगर आपको रेफरेंस देखना हो तो ये आप जो है रेफरेंस देख सकते हो, उनका हम लोगों ने हिंदी यहाँ पे देखा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेमंत ऋतु में अनावश्यक जो अन्य निर्देश है। ठीक है, क्या क्या और क्या काम कर सकते हो, तो ये आप अपने अनुसार याद रखना। ठीक है, जैसे कि और क्या क्या काम कर सकते हैं, तो कुश्ती आदि कर्म के बाद में शरीर पे लगे हुए जो स्नेह होते हैं उसको कषाय रस प्रधान जो द्रव्य है उसके कल्क से दूर करके विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। मतलब ये बोला गया कि जब आप लड़ाई करोगे कुश्ती करते हो तो क्या होता है, जो तेल वगैरह है वो लगा करके आप पहले शरीर को मालिश करते हो फिर लड़ाई करने जाते हो। ठीक है, तो वो जो होता है कैसा होता है, जो स्नेह होता है उसको जो कषाय रस वाले जो द्रव्य है ठीक है उसके कल्क लगाना है, हल्का सा पिष्टी वगैरह लगा करके, जैसे अपनी साबुन वगैरह अभी अभी यूज करते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था कषाय का प्रयोग करते थे। ठीक है, अभी तो कोई भी आपका तेल लगा है उसको निकालने के लिए साबुन वगैरह यूज कर लेते हैं, पर पुराने जमाने में कषाय का प्रयोग करके उसको निकाला जाता था, जो तेल वगैरह रहता था उसको फिर क्या है बाथिंग किया जाता था, यानी कि स्नान किया जाता था। स्नान करने के बाद में जो केसर कस्तूरी तथा सुगंधित जो द्रव्य है उसका लेप लगा करके अगुरु ठीक है आदि जो है उससे क्या है धूमन करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बताया गया, धूपन वगैरह करने हैं, ये जैसे आप स्नान कर लेते हो फिर क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने देखा था दिनचर्या के अंतर्गत सुगंधित जो चीज है उसका लेप लगा रहे थे, तो वो सभी चीजें यहाँ पे करना है, ये यहाँ पे वो लगे। फिर स्नेह युक्त जो मांस रस है ठीक है, पुष्ट प्राणियों का मांस रस है जो आपका ऐसा है जिसमें आपका लुब्रिकेशन हो, स्नेह युक्त जो मांस है उसका, तथा जो पूर्ण रूप से पुष्ट प्राणी है, ऐसा नहीं है कि पतला दुर्बल है ऐसे प्राणी का नहीं, पुष्ट जो प्राणी है उसके जो मांस है उससे बना हुआ मांस है, तथा गुण से बनी हुई मद्य यानी कि अल्कोहल हो गया, सूरामंड हो गया, ये भी क्या है एक प्रकार का अल्कोहल का ही टाइप है, गेहूं तथा मदिरा का पीठी, ठीक है, तो गेहूं हो गया या मदिरा का पीठी हो गया, गन्ने का रस हो गया, दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, तथा अन्य जो वसा तथा तेल का सेवन करना चाहिए। मतलब जो आपका एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि जो शरीर में गर्मा गर्माहट लाए, जैसे कि आप चले जाओगे फॉरेन चले जाओगे जहां ज्यादा ठंड पड़ता है, तो वहां देखोगे कि अल्कोहल वगैरह उन लोग लेते रहते हैं, क्यों लेते रहते हैं, ताकि शरीर जो है वो गर्म रहे, और उन लोग सबसे ज्यादा मांस का भक्षण करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे हेमंत ऋतु में यहाँ पे ये सभी चीजों का विषय में बताया गया कि ये भी काम आप कर सकते हो। बेसिकली तो ऊपर वाला अपने को करना है, बट अन्य निर्देश के अंतर्गत ये भी बताया गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तो शरीर का प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब साफ करने के लिए, शरीर को धोने के लिए उष्ण जल का जो है अपन प्रयोग कर सकते हैं, तथा कंबल हो गया या रजाई हो गया ठीक है, इसका अपने को प्रयोग करना है जो मृग चर्म से बना हो, यानी कि जो हिरण है उसके चर्म से बना हुआ ठीक है, उसकी चमड़ी से बना हुआ जो कंबल है या रजाई है उसका प्रयोग करना है, रेशमी वस्त्र का प्रयोग करना है, तथा उष्ण संयम जो है यानी कि गर्म जो बिस्तर है वो बिछा करके उसमें सोना है, और उष्ण प्रकृति तथा हल्के चादर को ओढ़ करके सोना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है, तथा सूर्य की जो किरणें होती है उसको नित्य युक्ति पूर्वक देखना चाहिए। तो ये मॉर्निंग में जैसे अभी ठंड का समय रहता है तो क्या करते हो, मॉर्निंग में जाकर के देखते हो ना, तो वही सूर्य की जो किरण है उसको देखना है। इसके अलावा स्वेदन कर्म करना है, स्वेदन कर्म मतलब जो शरीर में स्वेटिंग लाए ठीक है, पसीने को उत्पन्न करें, वो अपने को काम करना है। फिर पादुका धारण यानी कि चप्पल वगैरह पहनना है, तो ये सभी चीजें अन्य कर्म के अंतर्गत आ जाती है, तो ये आप याद कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो इसके लिए इसको याद रखना, बाकी बेसिक जो चीज है मैंने ऊपर में बताया था 7 पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अब इसी के अंतर्गत और क्या बताया गया, तो ऐसी स्त्री भी शीतलता को दूर करती है जिससे उरु स्तन श्रोणि परिपुष्ट हो तथा यौवन तथा सूर के मद से युक्त हो, तो ये स्त्री के विषय में बताया गया, तथा इस ऋतु में अंगारों के ताप से तपे हुए घर में तथा गर्भगृह में रहने वाले व्यक्तियों को शीतल तथा रुक्षता से उत्पन्न होने वाले विकार कभी नहीं होते। मतलब अगर आपका घर घर जो है वो गर्म है ठीक है, तो अगर आप वहां पे रहते हो तो कोई भी जो आपका ठंड की वजह से जो भी डिसीज होने वाला है या फिर जो भी प्रॉब्लम होने वाला है वो बिल्कुल नहीं होता, ये यहाँ पे आपका इन शॉर्ट वे में बोला गया है। तो इतना आपको अन्य कर्म के अंतर्गत आ जाएगा हेमंत ऋतु के अंतर्गत, ठीक है क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़े, तो लास्ट अपन यहाँ पे आज के लिए जो सेकंड लेक्चर है उसमें शिशिर ऋतुचर्या के विषय में बात करते हैं। तो शिशिर ऋतुचर्या जो है उसके अंतर्गत कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका माघ और फाल्गुन का जो माह है वो शिशिर ऋतु के अंतर्गत आता है, ये आपको पता ही है। अब शिशिर ऋतु जो चर्या है उसमें क्या करेंगे, तो हेमंत ऋतु के समान ही, क्योंकि आपको पता है किसके अंतर्गत आते हैं, ये विसर्ग काल के अंतर्गत आते हैं, तो विसर्ग काल में जो हेमंत ऋतु चर्या में जो भी चीजें बोली गई है वो सेम चीजें
यहाँ पे आपको इसमें भी कॉपी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको श्लोक में भी वही चीज को बोला गया है, ठीक है। तो शिशिर ऋतु में आपने जो चीजें की है, जैसे जो काम किया है, उसको एज इट इज यहाँ पे हेमंत ऋतु में भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में भी क्या होता है, शरीर जो होता है क्या होता है, यहाँ पे ये बोल सकते हैं, जो शरीर है वो शीतता अधिक होती है इस ऋतु में भी, क्या है, शीतता जो है वो अधिक होती है, और आदान काल के कारण रुक्षता भी अधिक होती है। तो इस वजह से यहाँ पे अपन जो शिशिर ऋतु है, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे आपका बताया गया, सॉरी हाँ, शिशिर ऋतु जो होता है यहाँ पे भी आपका ठंड जो है ये किसके अंतर्गत आता है, आदान काल के अंतर्गत आता है, मैं गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। तो हेमंत ऋतु जो होता है और शिशिर ऋतु ये किसके अंतर्गत आता है, आपका आदान काल के अंतर्गत आता है। तो इसको आपको मेनली ध्यान देना है, इसमें क्या होता है, जो शिशिर ऋतु है उसमें भी हेमंत ऋतुचर्या का ही पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने को जो सीधा सीधा गर्म चीजें हैं या फिर एकदम ज्यादा ऐसे, अब चीज डिफरेंट अप्रोच नहीं करना है, बस ये चीज याद रखना, जो हेमंत ऋतुचर्या में बताया गया वही शिशिर ऋतुचर्या में अप्लाई करना है, ठीक है, सिमिलर चीजें। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है उसको मैं जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यानी कि आपका जो जो नेक्स्ट चीज है, ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो है हेमंत ऋतुचर्या विसर्ग काल हो गया, और आपका शिशिर ऋतुचर्या जो है वो आदान काल हो गया, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो हेमंत ऋतुचर्या जो है उसमें भी बल श्रेष्ठ है, और शिशिर ऋतु जो है उसमें भी क्या है, बल श्रेष्ठ है। तो इन दोनों में जो अप्लाई करेंगे, ये चीज को आपको याद रखना, इन दोनों में जो चीजें अप्लाई करेंगे वो लगभग सिमिलर रहेंगे, इन दोनों में जो चीजें अपन अप्लाई करेंगे वो जो हेमंत ऋतु में अपन ने किया, क्योंकि ठंड जब जाता है, ठीक है, उसके बाद में जब शिशिर आता है तो उसमें भी ठंड का प्रभाव लगभग उतना ही पड़ा रहता है जितना इसमें पड़ा रहता है। तो इसी वजह से दोनों में अपन एक ही चीज को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कई लोग ये पूछेंगे कि सर ये विसर्ग काल में आता है या आदान काल में आता है शिशिर ऋतु, ठीक है। तो ये विसर्ग काल जो होता है, ठीक है, हेमंत ऋतु जो होता है वो विसर्ग काल में आता है, तो यहाँ पे आपका जो ठंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाया रहता है, फिर ठंड धीरे धीरे करके कम होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अपन जो है जो गर्म जो चीजें हैं वो शिशिर ऋतु में भी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपन नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये चीज को याद रखना, ये बात अलग है कि सूर्य की जो किरणें हैं, जैसे कि अभी मकर संक्रांति आ जाता है, उसके बाद में सूर्य की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती हैं, तो धीरे धीरे करके ही त्यागते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में स्वेटर, अब नहीं अब गर्मी अब हो जाएगा ऐसा करके आप सोच करके स्वेटर वगैरह अब नहीं पहनोगे, ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे करके चीजों को त्यागते हो। तो इसी वजह से तो ये चीज को याद रखना कि विसर्ग काल के अंतर्गत हेमंत आता है और आदान काल के अंतर्गत शिशिर आता है, तो शिशिर ऋतु जो चर्या है उसमें भी हेमंत ऋतुचर्या के अनुसार ही अपने को फॉलो अप करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है शरद ग्रीष्म वर्षा और बसंत जो ऋतुचर्या है वो अपन देखेंगे, और इस जो चैप्टर है उसको अपन फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।